इंडी गठबंधन भले ही चुप है, लेकिन कोलकाता में डॉक्टर्स चुप होने वाले नहीं। आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस मुख्यालय के पास कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का पुतला जलाया और पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। डॉक्टर्स ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सीएम ममता को भी मैसेज दिया कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं है। सीएम ममता ये कहकर धमकाने की कोशिश कर रही थी कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई तो उनका करियर खत्म हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहती। एक बार देखिए आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने किस तरह प्रदर्शन किया, इसके बाद बताता हूं कि कैसे ममता सरकार की कोर्ट में फिर फजीहत हुई। दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर सीपी जो कोलकाता है विनीत गोयल, उनकी एफिजी जलाई गई है। साथ ही ये डॉक्टर्स जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से एफिजी जलाकर तमाम डॉक्टर खड़े हैं, और साथ ही आप देखिए उनको जो है फूल दिया जा रहा है और ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर की जा रही है। फूल लेकर आए हैं कि जो लोग आज जाएंगे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक जो है उनको फूल देकर जो है बात करेंगे। और आपको बताते हैं यहाँ पर बैरिकेड लगाए हैं पुलिस से और कहा जा रहा है कि वो आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स यहीं पर रुक गए हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है अलाउ किया जाए ताकि वो जाकर एक डेप्यूटेशन वो दे पाए। बंगाल में डॉक्टर्स के इसी गुस्से से ममता बनर्जी की सरकार घबराई हुई, वो किसी भी कीमत पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहती। इससे पहले भी नवन्ना मार्च के दौरान कोलकाता पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया था। मार्च के दौरान एक छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस जमानत के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। बंगाल सरकार का आरोप है कि सायन लाहिड़ी मार्च के आयोजकों में से एक है। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि सायन लाहिड़ी एमबीए का छात्र है और वो राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की दलील नहीं चली और सायन लाहिड़ी को जमानत बरकरार रही। इसी बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ी खबर, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। आरजीकर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, वही व्यक्ति जिसे पहले हटाया गया फिर उसे एक मलाई पोस्टिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई कि एक बार इसको हटाया और तुरंत इसको कहीं पोस्टिंग दे दी। वही संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर अस्पताल का, अब वो गिरफ्तार हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। ये वही संदीप घोष है जिसको इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रही थी, आरोप लग रहा था। ममता बनर्जी की परेशानी यह है कि बंगाल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बीजेपी भी हल्ला बोल रही है। आज बीजेपी ने बंगाल में डीएम ऑफिस का घेराव किया। बंगाल के साउथ 24 परगना में बीजेपी नेता डीएम ऑफिस के बाहर सड़क पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन किया। बंगाल के कई और शहरों में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलीपुर द्वार में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। एक और तस्वीर कूचबिहार से आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता डीएम ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक दिया। एक तरफ कोलकाता केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता महिलाओं के खिलाफ ही विवादित बयान दे रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी नेता आतिश सरकार ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने वालों को धमकी दे डाली है। आतिश सरकार ने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसके घर की महिलाओं की अश्लील तस्वीरें घर के बाहर लगा दी जाएंगी। इस बयान पर खूब विवाद हुआ तो टीएमसी ने आतिश सरकार को 1 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। घटना बंगाल में होती है तो एक्शन होते हुए नहीं दिखता, इंडी गठबंधन भी चुप रहता है, लेकिन यूपी में यह सब नहीं होता। वहां योगी बोलते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। जैसे लखनऊ में महिला से छेड़खानी पर उन्होंने पूरे थाने को नाप दिया। अयोध्या और कन्नौज रेप केस के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन अब इन बुलडोजर एक्शन पर भी ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है, अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। किसी लड़के की गलती की सजा उसके पिता को देना सही नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह भी साफ साफ कह रहा है कि
जो वो अवैध निर्माण या पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण का बचाव नहीं कर रहे, फिर चाहे पब्लिक प्लेस पर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आरोपी अपराध में शामिल हो गया तो उसके घर को गिरा दिया जाता। सिर्फ अवैध निर्माण है तभी जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उन्हें अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था। अंत में कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं और कहा कि वो देश भर के लिए बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी करेंगे। इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी। यानी हो सकता है जिस बुलडोजर एक्शन से एक डर पैदा हो रहा था उस बुलडोजर एक्शन पर भी गाइडलाइंस के जरिए या तो उसकी रफ्तार धीमी हो या ब्रेक लग जाए।